GFR यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जहां आपको इस बात की जानकारी मिलती है कि आपकी किडनी कितने प्रतिशत आपके रक्त को साफ कर रही है। जब आपका GFR अधिक होता है तो इसका अर्थ है कि आपकी किडनी अपना काम सही से कर रही है। वहीं अगर आपका GFR कम होता है तो इसका अर्थ होता है कि आपकी किडनी अपना काम ठीक तरह से नहीं कर पा रही। इसके लिए जरूरी है कि आप अपनी रोजाना की दिनचर्या का खास ध्यान रखें। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल किडनी ट्रीटमेंट विदाउट डायलिसिस में, जहां हम आपको किडनी से जुड़ी जरूरी जानकारी देते हैं। ऐसे ही आज हम आपको अपना GFR बढ़ाने के लिए कौन से आहार ले सकते हैं, इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने विषय पर और जानते हैं कि आप अपनी डाइट में क्या ले सकते हैं। जिनका GFR कम होने लगता है तो इससे किडनी के काम करने की कैपेसिटी कम होने लगती है और ये किडनी में खराबी की संभावना को बढ़ा देती है। इसके लिए जरूरी है कि आप अपनी किडनी की कार्य करने की क्षमता को बढ़ाएं, जिसके लिए आप जीवन शैली में कुछ बदलाव कर सकते हैं। इसमें सबसे जरूरी है कि आपका लिए जाने वाला आहार। GFR बढ़ाने के लिए आप अपनी डाइट में कुछ चीजों को शामिल कर सकते हैं। GFR को बढ़ाने को और किडनी की बीमारी से बचने के लिए आपको अपनी डाइट में प्रोटीन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस और लिक्विड डाइट का सेवन सही मात्रा में करना है, तो इससे GFR के काम में बढ़ोतरी की जा सकती है। आप अपनी डाइट में प्रोटीन कितनी मात्रा में लें, इसके लिए जरूरी है कि पहले आपको अपनी डाइट की कार्य करने की क्षमता का पता होना चाहिए। अगर आपकी किडनी की कार्य क्षमता कम है और इसके बाद भी आप प्रोटीन रिच फूड का सेवन आवश्यकता से ज्यादा करते हैं तो इससे GFR लेवल कम हो सकता है। इसलिए प्रोटीन रिच फूड का सेवन उतना ही करें जितना आपके शरीर के लिए जरूरी हो। प्रोटीन रिच फूड में आप एजिकिल, ब्रेड, सोया, मिल्क, टोफू, ग्रीक योगर्ट, कॉटेज चीज, दलिया, अंडा, पनीर, ब्रोकली और बादाम, इन चीजों को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। ऐसे आहार आपके GFR लेवल को बढ़ाते हैं। इसके अलावा सब्जियों और फलों में आप उन सभी सब्जियों और फलों का सेवन करें जिसमें सभी प्रकार के मिनरल्स के साथ साथ पानी भी सही मात्रा में हो। किडनी को स्वस्थ रखने के लिए आप आहार में क्या ले रहे हैं ये जरूरी है, लेकिन इसके साथ ही ये भी जरूरी है कि आप पानी की कितनी मात्रा ले रहे हैं। खाने के साथ साथ उसको पचाना भी जरूरी होता है, जिसके लिए जरूरी है कि आप खाने के साथ साथ पानी भी सही मात्रा में लें, ताकि आपका आहार सही तरह से डाइजेस्ट हो और आपके शरीर में क्रिएटिनिन का स्तर कम रहे और आपका GFR लेवल भी सही हो। इसके लिए आप अपनी डाइट में घिया, टिंडा, तोरी, टमाटर, खीरा, गाजर, मूली, जामुन, अंगूर, नींबू, मौसमी, पपीता, अनानास, इन चीजों को शामिल कर सकते हैं। इससे आपके शरीर में जरूरी मिनरल्स की पूर्ति भी होगी, साथ ही आपके शरीर में पानी की कमी भी नहीं होगी। ऐसे आहार का सेवन आपके GFR को बढ़ाने में मदद करता है। इसके साथ ही कैल्शियम रिच फूड भी आपकी किडनी के काम में उसकी मदद करता है, क्योंकि किडनी का एक काम आपकी हड्डियों को मजबूत रखने का भी होता है। ऐसे आहार का सेवन आपके GFR के स्तर को बढ़ा देता है, जिससे आपकी बॉडी में क्रिएटिनिन का स्तर सामान्य रहता है और आपकी किडनी भी अपना काम ठीक से कर पाती है। तो ये हैं कुछ आहार जिनको आप अपने जीवन में शामिल करें तो इससे आपका GFR बढ़ता है। ध्यान रहे, ये आहार किडनी के मरीज डॉक्टर की सलाह के बिना न खाएं, ये उनके लिए हानिकारक हो सकता है। अगर आप अपने जीवन में आयुर्वेद को शामिल करते हैं तो यह आपको किडनी की सारी समस्याओं से दूर रखता है। आयुर्वेद का इलाज पूरी तरह प्राकृतिक है, जिसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। अगर आप या आपका कोई अपना किडनी खराबी की समस्या से परेशान है तो इसके लिए आप आयुर्वेदिक उपचार ले सकते हैं, जिसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा का आयुर्वेदिक इलाज पूरी तरह प्राकृतिक है, जिसका आपके शरीर में किसी प्रकार का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता और आपकी किडनी ठीक रहती है। इसके साथ ही इस उपचार में आपको डायलिसिस के दर्द को भी नहीं झेलना पड़ता और न ही आपको किडनी ट्रांसप्लांट के महंगे खर्च को उठाना पड़ता है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। क्या नाम है आपका? नाम मेरा जमींदर जी। कहाँ से आए हो? गांव पोस्टरा, जिला सोनीपत। सोनीपत। तो क्या क्या दिक्कत हो रही थी जब आप आए थे? जब मेरे को यहाँ पे आया था, मेरे को इन्फेक्शन था
किडनियों में मेरे को ब्लड यूरिया बहुत ज़्यादा बनता था, 302 था। अच्छा ठीक है, तो आपके पास से जैसे मैंने दवाई ली तो मेरा ब्लड यूरिया धीरे 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 2 महीने मतलब कि बिल्कुल नॉर्मल हो गया। अच्छा, मेरे को अब कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, तो टेस्ट वगैरह कराए हैं आपने? हाँ जी, टेस्ट कराए हैं, 3 टेस्ट करा लिए मैंने हर 2-3 महीने के बीच में। अच्छा, तो मेरे नॉर्मल ही आते हैं, तकरीबन 1-2 पॉइंट का फर्क होता है। अच्छा, तो टेस्ट कहाँ से कराए थे आपने? मैं जो बोली लैब है वहाँ से कराता हूँ। अच्छा, ये कहाँ पे है? ये हमारे गांव के पास ही है। ठीक है, तो हमारे यहाँ का कैसे पता चला था आपको? मेरे को केवल पे। तो कोई दिक्कत वगैरह, दिक्कत तकलीफ हो रही है? नहीं, अभी कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो मैं परहेज तोड़ता हूँ जैसे कि कोई भी लापरवाही चीज़ खाता हूँ तो कभी कभार किडनी में हल्का सा दर्द। अभी कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? नहीं, फिट है बिल्कुल? करती बिल्कुल। ठीक है, मेडिसिन वगैरह ले रहे हैं अभी? नहीं, जरूरत नहीं पड़ती? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अभी टेस्ट वगैरह, जब मैं आपके पास आया था जब मेरे में 66 या 67 किलो वजन था, आज मेरे 80 किलो। अच्छा, चलिए, बहुत वेट भी आपने गेन कराया, काफ़ी बहुत अच्छी बात है।